हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केडू के मोटो व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमा की YZF R3 के बारे में। यमा की YZF R3 अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आई है और कब तक ये बाइक मार्केट में आने वाली है, क्या इस बाइक के अंदर हमें न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, इस बाइक की सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको यमा की YZF R3 के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlog। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यमा की YZF R3 एक फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जिसके अंदर काफी अग्रेसिव डिजाइन है। ये बाइक फर्स्ट टाइम 11 अगस्त 2015 को इंडियन डूलर मार्केट में लॉन्च हुई थी और तभी इस बाइक का एक शोरूम प्राइस था 3,25,000। लेकिन उसके बाद ये बाइक मार्च 2020 में डिसकंटिन्यू हो गई थी क्योंकि BS6 नॉर्म्स के अंदर ये बाइक फिट नहीं होती थी। ये बाइक BS6 नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से ये बाइक 2020 में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बाइक को डिसकंटिन्यू हुए अभी 2 साल हो चुके हैं और अभी तक यमा इस बाइक को मार्केट में नहीं लेके आई है। लेकिन बहुत जल्द इस बाइक का BS6 मॉडल हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। रिसेंटली होंडा ने भी CB300R के BS6 मॉडल को लॉन्च किया है और यमा भी बहुत जल्द YZF R3 को लॉन्च करेगी। इंटरनेशनल टूलर मार्केट में यमा के पास 300cc सेगमेंट के अंदर YZF R3 भी है और MT03 भी है। MT03 एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जो यमा की R3 पे ही बेस्ड है, लेकिन उस बाइक के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। उस बाइक के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली R3 के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, यमा की YZF R3 इंटरनेशनल टूलर मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है और यमा इस बाइक को टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है। इस बाइक के अंदर काफी सारे न्यू फीचर्स भी एडअप हुए हैं। लेकिन इंडिया में यमा ने रिसेंटली R15 V4 को लॉन्च किया है और MT15 का न्यू मॉडल भी अप्रैल में लॉन्च होने वाला है और 2022 में यमा की R3 भी हमें देखने को मिलेगी। यमा ने इस बाइक को फर्स्ट टाइम 2015 में लॉन्च किया था। सो अभी इस बाइक को 7 साल हो चुके हैं और डिसकंटिन्यू हुई इस बाइक को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इंटरनेशनल टूलर मार्केट में इस बाइक के 3 एडिशंस हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी एडिशन, सेकंड है मोटो GP एडिशन और एक थर्ड है स्टैंडर्ड एडिशन। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 321cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक DOHC इन लाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 42 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 29 न्यूटन मीटर की विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी भी है और साथ में स्लिपर क्लच भी है। इस बाइक के न्यू फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो जब यमा इस बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करेगी तो इस बाइक के अंदर हमें प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे जो कि 37mm के KYB प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ये बाइक वहीं सेम डायमंड फ्रेम पे बेस्ड होगी जिसके अंदर 298mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइन फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल देखने को मिलेंगे। R15 V4 के जैसे ही इस बाइक के अंदर हमें क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम फीचर भी देखने को मिलेगा। साथ ही इस बाइक के अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और यमहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें ऑल न्यू फ्रेश LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की, सीट हाइट है 780mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 160mm और इस बाइक का वेट है 170kg। सो दोस्तों, जब ये बाइक मार्केट में लॉन्च होगी तो इस बाइक के अंदर हमें अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल LED लाइट्स का सेटअप, क्विक शिफ्टर ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, 140/70 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलेगा। सो फ्रंट और रियर में काफी अच्छे सुपर वाइड टायर्स देखने को मिलेंगे। और फाइनली दोस्तों, बात करते हैं इस बाइक की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। सो दोस्तों, अभी तक यमा ने इस बाइक के लॉन्च के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट शेयर नहीं की है। सो यमा की तरफ से अभी तक इस बाइक की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऑटोमोबाइल वेबसाइट्स के थ्रू ये माना जा रहा है कि ये बाइक अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाली है। अभी मार्केट में ऐसे रूमर्स हैं कि ये बाइक अगस्त 2022 में लॉन्च हो जाएगी और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 3,70,000, यानी कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस हमें 4 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, यमा की YZF R3 को डिसकंटिन्यू हुए अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब 2022 में जाके बाइक फाइनली लॉन्च होगी जिसके अंदर हमें काफी सारे न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।